हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका पीसी स्टक हो जाता है ऑटोमेटिक रिपेयर पे तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। कभी कभी जब आप अपने पीसी को रिस्टोर करते हैं या उसकी विंडो के सी ड्राइव में कुछ डिलीट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक रिपेयर होने लगता है और उस पर स्टक हो जाता है, बार बार वही लूप आ जाता है, जिससे कि मैं अभी आपको इसको रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको बंद कर दिया, मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो ये उसी लूप में अटक जाएगा, ऑटोमेटिक रिपेयर पर आ जाएगा और फिर दोबारा से स्टक हो जाएगा, तो ये ऑन नहीं हो पाएगा। जैसे कि अभी नीचे दिखाएगा स्टार्टिंग ऑटोमेटिक रिपेयर, प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर, तो ये आ जाएगा, फिर लूप घूमेगा इसका और फिर उसके बाद ये फिर ऑटोमेटिक रिपेयर पे अटक जाएगा, ये ऑन नहीं हो पाएगा। तो ये दिक्कत हमें तब आती है जब हम लोकल सी ड्राइव जहाँ पे हमारी विंडो इंस्टॉल होती है वहाँ पे अगर हम कोई फाइल डिलीट कर देते हैं गलती से या जानबूझ के, उसको जगह खाली करने के लिए, स्पेस बनाने के लिए अगर कोई चीज़ हम वहाँ से डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल मिसिंग हो जाती है और ये ऑटोमेटिक रिपेयर पर आ जाता है, योर पीसी डिड नॉट रिस्टार्ट करेक्टली। तो हम इसको जितनी बार भी रिस्टार्ट करेंगे बार बार वही आता रहेगा, ऑटोमेटिक रिपेयर पे अटकता रहेगा। तो इसके लिए हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, इसके तीन चार तरीके हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, उनमें से कोई भी एक तरीका आपके लिए ज़रूर काम करेगा। हम एक एक करके सारे तरीके देखते हैं। एक तो तरीका है कि आप यूएसबी डिवाइस के थ्रू जाके यूएसबी स्टोरेज से इसमें दोबारा से विंडो इंस्टॉल कर लें, लेकिन हम वो वाला तरीका भी सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे अगर वो कोई तरीका हमारा काम नहीं करेगा। उसके बाद ट्रबल शूट का ऑप्शन आता है, हम ट्रबल शूट में जाकर पीसी को रीसेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पीसी को रिसेट कर रहे हैं और उसके बाद भी ये नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद भी एडवांस रिपेयर पर अटक रहा है, तो मैं उसके बाद हम जाएंगे एडवांस के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, स्टार्टअप रिपेयर, अनइंस्टॉल अपडेट, यूईएफआई फर्मवेयर सेटिंग, स्टार्टअप सेटिंग, कमांड प्रॉम्प्ट और सिस्टम रिस्टोर वगैरह के बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो इस वीडियो में आपको एक एक ऑप्शन ट्राई करके दिखाऊंगा और देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चलता है और ये ऑटोमेटिक रिपेयर का लूप कैसे ठीक होता है। तो अगर आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देख ली और आपको सोल्यूशन नहीं मिला है तो आप इस वीडियो में मैं आपको तीन या चार जितने भी इसके तरीके हैं मैं सारे तरीके बताऊंगा एक एक करके, उनमें से जो भी तरीका आपके कंप्यूटर को सूट करेगा आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, हो सकता है बीच में आप वो वाला मेथड मिस कर दे जो आपके कंप्यूटर को काम करेगा, क्योंकि किसी कंप्यूटर में स्टार्टअप सेटिंग से चल जाएगा, किसी में कमांड प्रॉम्प्ट से चलेगा, किसी में रिस्टोर करने से चल जाएगा और किसी में स्टार्टअप रिपेयर करने से चल जाएगा। तो एक एक करके हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे स्टार्टअप रिपेयर। तो जैसे मैं स्टार्टअप रिपेयर पर क्लिक कर दूँ तो आपको बिट लॉगर की मांगता है और बिट लॉगर की आपको मिलेगी किसी दूसरे कंप्यूटर में, आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा और उसके अंदर जाके आपको बिट लॉगर की मिलेगी, तो वो की आपको इसमें डालनी पड़ेगी। और वो की आप कैसे ढूंढें वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके जो वेबसाइट लिखी हुई है इस पर सिंपली क्लिक करना है और अपनी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से लॉगिन कर लेना है, वहाँ पर आपको ये डिवाइस दिख जाएगी और उसकी बिट लॉगर की आप सर्च कर सकते हैं और उसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसको यहाँ पर टाइप करने के बाद भी अगर आप आगे जाएंगे तो उसके बाद ये रिस्टार्ट होगा, डायग्नोस्टिंग योर पीसी करेगा अपनी बिट लॉगर की डालने के बाद, और जब ये डायग्नोस करेगा उसके बाद अगर भी इसी लूप में अटक रहा है तो हम दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। अब देखिए स्टार्टअप रिपेयर कुड नॉट रिपेयर योर पीसी और ये दिखा रहा है कि लॉग फाइल जो उनसे हमारी डिलीट हो गई है गलती से वो है विंडोज सिस्टम 32 लॉग फाइल SRT ट्रेल। तो ये वाली फाइल हमारी गलती से डिलीट हो गई है, मिस हो गई है सी ड्राइव में से, इस वजह से ये ऑन नहीं हो पा रहे हैं। तो हम दूसरा मेथड ट्राई करेंगे एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद। तो इस बार हम दूसरा मेथड ट्राई करेंगे, ट्रबल शूट में जाएंगे और ट्रबल शूट में जाने के बाद हम एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं लेकिन हमको ये नहीं करना है, हम करेंगे रिसेट दिस पीसी। तो इस वाले मेथड में हम रिसेट दिस पीसी का ऑप्शन करेंगे और इसमें कीप माई फाइल्स भी कर सकते हैं और रिमूव एवरीथिंग जो भी आप करना चाहें, मैं कीप माई फाइल्स कर देता हूँ। इससे आपको घबराना नहीं है, आपको कुछ भी दिक्कत कुछ नहीं होगी, आपको कोई भी डेटा नहीं जाएगा और इस पर आपको क्लाउड डाउनलोड करना है कि लोकल इंस्टॉल करना है। मैं क्लाउड डाउनलोड कर देता हूँ। जब लोकल इंस्टॉल करेंगे तो आपके सिस्टम में जो विंडो है आप उसी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्लाउड डाउनलोड का मतलब है कि आप अपनी फाइल को डाउनलोड करेंगे फिर विंडो इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे भी हमारा ये ऑप्शन नहीं हो रहा है। देखिए जैसे कि मैं क्लाउड डाउनलोड पर रिसेट दिस पीसी पे क्लिक कर दे रहा हूँ और रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक कर दूँ और फिर क्लाउड डाउनलोड पे क्लिक कर दूँ तो वापस से घूम के फिर वही आ जाता है चूज ऑप्शन, तो ये भी काम हमारा नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर हम ट्रबल शूट में जाएंगे, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, फिर नया ऑप्शन ट्राई करेंगे सिस्टम रिस्टोर। तो हम सिस्टम रिस्टोर पर क्लिक करेंगे और सिस्टम रिस्टोर पर जाके ये सिस्टम रिस्टोर भी नहीं चल रहा है। देखो ये बता रहा है कि सिस्टम रिस्टोर फाइल, नो रिस्टोर पॉइंट हैज बीन क्रिएटेड ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम ड्राइव टू क्रिएट रिस्टोर पॉइंट, ओपन सिस्टम प्रोटेक्शन इन ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वाला तरीका भी हमारा काम नहीं कर रहा, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, अब अगला तरीका यूज़ करेंगे। तो इस बार हम दोबारा से ट्रबल शूट में जाएंगे, ट्रबल शूट में जाने के बाद हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे और UEFI फर्मवेयर सेटिंग से इसको रिस्टार्ट करके देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। तो फिलहाल हम जाएंगे UEFI फर्मवेयर सेटिंग पे और इसको रिस्टार्ट कर देंगे।
और फिर इसका रिस्टार्ट होने का वेट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा रिपेयर होगा कि नहीं होगा इससे। तो ये अभी देखिए, कुड नॉट फाइंड अ बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, चेक द बूट कॉन्फ़िगरेशन टू ट्राई और फिक्स दिस। उसके बाद अगला ऑप्शन जाएगा, हम कमांड प्रॉम्प्ट से जाएंगे, इसको ट्रबल शूट में जाएंगे, ट्रबल शूट के अंदर एडवांस ऑप्शन जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट को हम ओपन कर लेंगे और ये बिट लॉकर की की मांगेगा। तो ये बिट लॉकर की हम इस वेबसाइट पर जाएंगे, AKA.MS AAD रिकवरी की, और हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट आईडी से लॉगिन करेंगे तो हमें अपनी रिकवरी की मिल जाएगी। तो उसमें डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट में अपनी बिट लॉकर की डाल देंगे, उसके बाद ये कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, आपको कंटिन्यू कर लेना सिंपली और कमांड प्रॉम्प्ट आपका खुल जाएगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट में आपको डालना है CHKDDSK, स्पेस देके आपको लिखना है /R, फिर स्पेस देके C और फिर आपको लगाना है कोलन और एंटर मार देना है। और ये बहुत सारी करेगी, चेक डिस्क कैन नॉट रन बिकॉज द वॉल्यूम इज इन यूज बाय अनदर प्रोसेस, चेक डिस्क मे रन इफ दिस वॉल्यूम इज डिस माउंटेड फर्स्ट, ऑल ओपन हैंडल टू दिस वॉल्यूम वुड देन बी इनवेल्ड, वुड यू लाइक टू फोर्स टू डिसमाउंट दिस वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे वाई लिख के, कैपिटल वाई लिख के और एंटर कर देना है। तो ये अब एग्जामिन करेगी बेसिक फाइल को और जो जो भी आपकी डिस्क में रिपेयर की दिक्कत होगी उसको सबको ये रिकवर कर देगी। बहुत थोड़ा सा टाइम लगाएगा, सब कुछ चेक करेगा, एग्जामिनिंग फाइल नेम, जो जो भी आपके कमांड प्रॉम्प्ट में दिक्कत होगी या आपकी ड्राइव में कोई फाइल गायब होगी वो सब कुछ इस पर रिपेयर कर देगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लुकिंग फॉर बैड क्लस्टर वगैरह वगैरह जो भी होगा आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है इसके लिए। और ये पूरे प्रोसेस चलेगा ऐसे, 1% 2% और ये 100% तक जाएगा तो आपकी फाइल रिकवर आराम से हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये डायरेक्टरी खुल जाएगी, इसमें हम लिखेंगे DIR और एंटर मारेंगे तो हमारी डायरेक्टरी खुल के आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारी डायरेक्टरी सिस्टम किस में है। और फिर उसके बाद हम इसमें एंटर करेंगे और जैसे आप DIR फाइल खोलोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ये बैकअप फाइल और वैसी नॉर्मल फाइल और ये प्रोग्राम फाइल वगैरह मिल जाएंगी, टेम्प्रेरी सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसमें कमांड डालनी है cd slash विंडोज / /STM32/CONFIG और एंटर कर देना है, स्पेस देना है cd space /Windows/SYSTEM32/CONFIG। इसके बाद आपको कमांड डालनी है MD बैकअप उसके बाद स्पेस और फिर बैकअप। उसके बाद हमें चलानी है कॉपी के बाद हमें स्पेस देनी है और फिर स्टार लगाना है, फिर डॉट लगाना है, फिर स्टार लगाना है और फिर आपको स्पेस देकर बैकअप लिखना है। और उसके बाद हमें अगली कमांड डालनी है, उसके बाद हमें डालना है कैपिटल CD space REG BACK, उसके बाद आ जाएगा रैक बैक और फिर हमें डालना है, उसके बाद हमें डालना है DIR और एंटर मार देना है। तो यहाँ पे डिजिट आनी चाहिए थी लेकिन मेरे सिस्टम में यहाँ पे डिजिट नहीं आई है, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट लेके कैसे डिजिट आनी चाहिए थी। ऐसी अगर आपके पास डिजिट आ रही है तो आपको कंटिन्यू करना है, अगर आपके पास ये डिजिट नहीं आ रही तो यहीं से एग्जिट कर सकते हैं इसको। अगर आपके में जो मैंने पहले स्क्रीनशॉट दिखाया अगर वो आ रहा है तो आपको एग्जिट ले लेना और फिर आपको रिस्टार्ट कर देना है। तो अभी ये 1% पे है और ये पूरा टाइम लगा रहा है, एस्टिमेटेड टाइम भी दिखा रहा है कि 30 मिनट इसमें लगेगी, तो आपको 13 मिनट तक वेट करना है। पूरी डायरेक्टरी को, पूरी हार्ड ड्राइव को आपकी सर्च करेगा ये कमांड और आपको जहाँ जहाँ भी दिक्कत होगी सब कुछ रिपेयर करके और आपका सिस्टम चला के देगा। तो आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम ETA जो है 30 मिनट्स दिखा रहा है और 6% अभी हुआ है, तो अभी आपको वेट करना है इसके प्रोग्रेस पूरा कम्प्लीट होने के बाद, जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो मिलते हैं फिर। तो ये 12 सेकेंड बचे अभी और ये कम्प्लीट होने वाला है, 98% हमारा हो गया है। और ये देखिए जो जो भी था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और फेल टू ट्रांसफर लॉग मैसेज इनटू इवेंट लॉग विद स्टेटस 6। अब हम यहाँ पे एग्जिट लिख के ट्राई करेंगे और जैसे हम एग्जिट लिखेंगे तो हमारे पास वही विंडो खुल के आ जाएगी और सिंपली अपने PC को कंटिन्यू विद विंडोज 10 करेंगे तो हमारा PC बड़े आराम से चल जाएगा।
आप टर्न ऑफ योर पीसी करके रिस्टार्ट कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ और हमारा पीसी जो है वो नॉर्मल विंडोज़ चल जाएगी। तो देखो इस बार ये रिस्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ये रिस्टार्ट होगा तो अपनी विंडो खुल के आ जाएगी। आप वेट करिए एक सेकेंड में ये रिस्टार्ट हो जाएगा। और नीचे ये यहाँ पर नहीं तो ऑटोमेटिक रिपेयर लिखा आ जाता, इस बार वो नहीं आया है, इस बार ये पूरा ऑन होगा। देखो ऑन हो गया ना, अब मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप को ऑटोमेटिक रिपेयर के मोड से बाहर ला सकते हैं। जितने मैंने आपको मेथड बताया इसमें से कोई ना कोई से मेथड आपके कंप्यूटर के लिए भी काम कर जाएगा। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा कंप्यूटर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। और इन किसी मेथड में से भी अगर आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपको अच्छा सोल्यूशन बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।